हे गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। गाइज, आज के वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को बहुत दिनों से डिमांड था कि भाई हमको नवरात्रि में फोटो एडिटिंग चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर। मैं कुछ नवरात्रि में फोटो एडिटिंग लेकर आ चुका हूँ। कितना हार्ड पोज, जो कि आप पोज कोई हार्ड नहीं है, सिंपल पोज है। आप कोई भी फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। मोबाइल या DSLR से खींच कर आप लगा सकते हैं, एंड बैकग्राउंड PNG सब कुछ बताऊँगा कैसे क्या एडिट करना है, और फेस पर इतना रेड टोन कैसे देना है, जो कि आप लोग के लिए मैं स्पेशल में एक प्रीसेट बनाया हूँ, जो कि एडिटिंग के बाद में इस प्रीसेट को लगाना है, जो कि देख सकते हैं CV फेस प्रीसेट, जो कि इसे एक क्लिक में फेस कुछ इस टाइप का रेड हो जाएगा। तो चलिए हम बिना बकचोदी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको नॉर्मल फोटो ले लेना है, जो कि हमारा फोटो है बिना एडिटिंग वाला, और इस फोटो को हमको शेयर करना है कहाँ पर, लाइटरूम के अंदर। देखिए कुछ नहीं करना है, मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। देखिए हमको इसको आराम से लाइटरूम में शेयर करना है और लाइटरूम को ओपन कर लेना है। देखिए मैं आराम से आपको समझा रहा हूँ, बस आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो गारंटी है कि आपसे वीडियो फोटो बन नहीं पाएगा ऐसा। फिर देखिए आपको एक प्रीसेट मिल जाएगा, इस प्रीसेट को ले लेना है, और इसको लेने के बाद जस्ट हमको थ्री डॉट पे जाना है, और कॉपी पे जाने के बाद नीचे को मार्क लगाना है, और यहाँ से कॉपी कर लेना है। फिर हमको क्या करना है, अपने फोटो पर आना है, ये हमारा फोटो रहा, और इस पर आने के बाद जस्ट हमको बस पेस्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ से पेस्ट सेटिंग कर देना है। देखिए देखिए कुछ इस तरह का हमारा फोटो हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। फिर इसको हमको सेव कर लेना है, सेव टू डिवाइस। मैं ज़्यादा शॉर्टकट में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है और आपको अच्छे तरह समझाना है। देखिए हमको फोटो को सेव कर लेना है, इस तरह हम सेव कर लेते हैं। देखिए कितना आसानी से, देखिए फोटो सेव होने में कुछ टाइम लगता है, क्योंकि लाइटरूम ज़्यादा ही एमबी का होता है और फोटो भी ज़्यादा क्वालिटी में निकालता है। तो देखिए सेव हो चुका है फोटो। फिर हमको गैलरी में चले जाना है, जो भी हमारी गैलरी होगा, और उसमें जाने के बाद जस्ट हमको क्या करना है, इस फोटो को ले चलना है हमको स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर। तो स्नैपशीट कहाँ रहा, तो देखिए स्नैपशीट में हमको चले जाना है। फिर हमको देखिए जाना है टूल्स पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है सिलेक्ट पर, हमको इस पर जाएंगे, और जहाँ पर भी आपको अंधेरा दिखाई देगा वहाँ पर इस तरह लाइट देकर सिचुएशन को कम कर देंगे। देखिए इस तरह, यानी कि जहाँ पर भी अंधेरा हो वहाँ पर हमको यही काम करना है, लाइट देकर सिचुएशन को लो। देखिए यहाँ पर भी वही हाल है, सिचुएशन को लो इसको हाई, फिर यहाँ पे भी हमको सिचुएशन को लो और इसको हाई कर देना है, कुछ इस तरह हमको कर देना है। और हेयर पे आप देख सकते हैं इफेक्ट आया हुआ है, इस पर हम जाएंगे, इस तरह मार्क लगाएंगे, और देखिए इस तरह मार्क लगाना है और सिचुएशन को लो, इस तरह हमको जगह जगह कर लेना है, इस तरह आराम से, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, इस तरह छोटा बस करना है, सिचुएशन को लो। फिर हम इस पर जाएंगे, इसको छोटा करेंगे, इसको लो। तो देखिए हमको इस तरह कुछ कर लेना है, इतना काम करने के बाद फोटो को हमको सेव करना है, और बताते हैं हमको उसके बाद क्या करना है। आपको पता ही होगा क्या करना है, स्मूथ करना है और क्या। देखिए हम मान लीजिए इतना लाइटिंग, जो कि ये लाइटिंग दे चुके हैं और ये भी हम लाइटिंग दे चुके हैं, उसके बाद देखिए क्या करना है, हमको फोटो को स्मूथ कर लेना है, सिंपल स्मूथ, जो कि स्मूथ मैं नहीं करूँगा, जो कि आपको पता है स्मूथ किससे किया जाता है। और जस्ट हमको स्मूथ करने के बाद हमको फोटो रूम से फोटो को ब्लर कर लेना है। देखिए आप ही फोटो को ब्लर कर लेना है, इस तरह कुछ ब्लर नहीं किया, सॉरी कटआउट कर लेना है फोटो को, जो कि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा लंबा, इसलिए आपको कटआउट कर लेना है स्मूथ करने के बाद। जस्ट आपको सभी लोगों को पता होगा, अगर पता नहीं है तो जाइए मेरे पीछे वाले वीडियो को, देखिए सब कुछ बताया हूँ। देखिए कटआउट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको एडिटिंग पर आता हूँ। आपको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा टेलीग्राम एंड डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है बैकग्राउंड PNG को, और इस PNG को ले चलना है कहाँ पर, PicsArt के अंदर। सो गाइज, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ बात मेरे समझ में आ गया होगा, जो मैं बताया पहले कि बस आपको स्मूथ करके बैकग्राउंड को कटआउट कर लेना है। इतना काम करने के बाद आपको इस बैकग्राउंड को PicsArt में लेकर आना है, और PicsArt में लाने के बाद देखिए हमको जाना है ऐड फोटो पे, और जो भी फोटो हम कटआउट किए हैं उस फोटो को लेना है, जो कि हमारा ये रहा कटआउट वाला फोटो। सो इसको हमको लेना है, और लेने के बाद जस्ट हमको कुछ यहाँ पे इसको देखिए हमको कुछ यहाँ पे इसको लगा लेना है। देखिए कोई मुश्किल काम नहीं है, यहाँ पे हमको लगा लेना है, और लगाने के बाद हमको यहाँ से सही कर लेना है। देखिए सही करने के बाद फिर देखिए हमको जाना है क्रॉप वाले ऑप्शन, टूल्स वाले ऑप्शन पे, और क्रॉप पे जाना है, और इसको ऊपर इस तरह घसकाएंगे, और इधर से कुछ इस तरह, और इधर से कुछ इस तरह, इतना काम करना है। फिर हम जाना है ऐड फोटो पे, और आपको सारा PNG मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए आपको इस वाले PNG को लेना है, और इसको लेने में जस्ट हमको इस तरह करेंगे, और नीचे से हमको कुछ इस तरह पतला कर देंगे, फिर नीचे से इस तरह लगा देंगे, फिर हमको नीचे इस तरह लगाने के बाद इसको सही कर देना है। देखिए ये PNG लग चुका है, फिर आपको एक और PNG मिलेगा, उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो हमको PNG पे जाना है, और हमको इस वाले PNG को लेना है, कहा गया हमको इस वाले PNG को लेना है, एंड हमको एक और PNG है, आपको भी दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले इस PNG को लेना है, और कुछ इस तरह हमको लगा कर इसको फ्लिप पे जाने के बाद इसको रोटेट कर देना है। देखिए कुछ इस तरह, देखिए हमको इस तरह लगाने के बाद इसको फिर से सही कर देना है। फिर एक और PNG है, उसको भी हम ले लेते हैं आसानी से, तो उसको भी ले लेते हैं। देखिए आप सब PNG का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
देखिए एक और PNG हम ले लेते हैं, जो कि वो हार्ड PNG है, उसको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं लगाएंगे तो फोटो का मतलब ही नहीं बनता है। जो कि आपको दिखाते हैं कौन सा PNG। देखिए हमको इस वाले PNG को लेना है और इस वाले PNG को लेना है, जो ये तिलक है उस PNG को और इस PNG को। देखिए इसको कुछ हम यहाँ पे लगाएंगे, बता रहे हैं आपको कहाँ पे लगाना है। देखिए कुछ इस तरह इसको इस तरह रोटेट करके इस तरह खूब मस्त तरीके से इस तरह यहाँ पे लगाना है। फिर इसको ऑप्सिटी को इतना कम करेंगे, इतना कम हो गया, फिर हम इस पर जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और देखिए इसको इस तरह से दाब देंगे और नीचे से भी दाब देंगे इस तरह। सॉरी गाइज, हाँ, इस पर क्लिक करके हम नीचे से भी दाब देंगे। देखिए हम इस पर टाइम लगता है, तो देखिए अब हमको कुछ यहाँ पे इसको लगा देना है यहाँ पे देखिए, और जस्ट लगाने के बाद फिर इस पर क्लिक करेंगे और ऑपेसिटी को कम और इसको रोटेट कर लेते हैं इस तरह। ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है। सो देखिएगा जी ये लग चुका है, फिर तलवार हमारा आगे पीछे हुआ है, इसको हम बैठा लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह बैठा देना है और इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए इतना काम करने के बाद आपको एक टेक्स्ट मिलेगा, वो टेक्स्ट को ले लेना है, जो कि महाशिवरात्रि वाला टेक्स्ट है, हैप्पी नवरात्रि वाला। इसको लेने के बाद जस्ट हमको इसको यहाँ पर लगा देना है। देखिए इसको लगाने के बाद देखिए हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और फोटो को आराम से यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। देखिए बहुत लोग बोलते हैं भाई क्वालिटी दब होता है, तो क्वालिटी 1% भी दब नहीं होता वहाँ से, ठीक है। आप कहीं से भी डाउनलोड करके देख लीजिएगा, फोटो का क्वालिटी सेम टू सेम सेव होता है। देखिए क्वालिटी तनी सा भी दब नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए हमको आना है शेयर पे और हमको जाना है स्नैपशीट के अंदर। अब चलते हैं स्नैपशीट में, ये रहा स्नैपशीट, इसमें आना है और हमको जाना है टूल्स पे और हमको सिलेक्टिव वाले ऑप्शन पे जाना है। और देखिए कुछ नहीं करना है, बस आपको इस तरह मार्क लगाना है और ब्राइटनेस को हाई, फिर हम गर्दन पे इस तरह मार्क लगाना है, ब्राइटनेस को हाई, नीचे को लो, फिर इस पे जाने को नीचे को लो। देखिए इस तरह कुछ करना है। फिर हाथ पे लाइटिंग तो है पहले से, बस तनी से दे देते हैं, और इस पे भी हम तनी से दे देते हैं 1-2%, इसी फोटो और यूपी लगे। देखिए कुछ इस तरह हमको कर देना है फेस को वाइट, आप देख सकते हैं फेस कितना ही कमाल का वाइट हो चुका है। फिर एक बार हम जाएंगे ब्रश पे, और इतना सारा ब्रश आपको दिखाई देगा, तो हम जाएंगे 2 नंबर वाले ऑप्शन पे और इसको कम करके हमको इस तरह इस पे ब्रश को यूज़ कर लेना है, जिससे फेस पे बहुत ज़्यादा चमक आता है। देख लीजिए हमको कुछ इस तरह कर देना है, देख लीजिए इतना ओपी तरह से चमक आ रहा है फेस पे, फेस एंड गर्दन पर, बस इसको यूज़ करना है। इतना काम करना है तो फेस को सही करना है। फिर हम एक बार और ब्रश पे आएंगे और जो ये टेम्परेचर सिचुएशन है इस पर जाएंगे और इसको 10 रहने देंगे। फिर अपने लिस्ट पे इस तरह देखिए कलर कर देना है कुछ, ये कुछ इस तरह कलर कर देना है ओपी तरह से, यानी कि मस्त तरह से। इतना काम करने के बाद आपको एक और काम करना है, जाना है टूल्स पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है पोर्ट्रेट का, हम पोर्ट्रेट पे जाएंगे और जस्ट हमको क्या करना है बताते हैं आपको। आई क्लैरिटी को इतना करेंगे, बस इतना, और स्किन थिकनेस को इतना। सो गाइस इतना काम करने के बाद हमको फोटो को ले चलना है लाइट रूम के अंदर। चलिए हम दिखाते हैं आपको लाइट रूम के अंदर ले चल के, एंड लाइट रूम के अंदर आपको कोई से भी काम नहीं करना है, क्योंकि मैं पहले से प्रीसेट आप लोग के लिए ऑलरेडी बना चुका हूँ। देखिए अभी फोटो आएगा लाइट रूम में। सो देखिए हमारा फोटो आ चुका है यहाँ पर लाइट रूम के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो हमारा आ चुका है, बट फेस हमारा रेड नहीं है। अगर आप चाहते तो ऐसे भी रख सकते हैं, मैं बट फेस रेड करूँगा। तो देखिए ये PNG भी आपको मिल जाएगा सी बी फेस। अगर आप चाहते हैं किसी भी फेस का किसी भी फोटो का फेस टोन सी बी टाइप का बनाना है, तो आप इस प्रीसेट को यूज कर सकते हैं किसी भी फोटो पे। बस हमको इस पे आना है, कॉपी पे जाना है और नीचे मार्क लगाना है और सही कर देना है। फिर क्या करना है, अपने फोटो पे जाना है। देखिए 1 क्लिक में कितना ही फोटो लाजवाब होने वाला है। फिर 3 टूट जाएंगे, ऐसे पेस्ट कर देंगे। सो देखिए 1 क्लिक एंड फेस पूरा सी बी एडिटिंग हो चुका है हमारा। देखिए 1 क्लिक एंड फोटो कितना रेट, अगर चाहते हैं रेट कम करना है तो जाएंगे इस पे और इसको कम कर देना है। बस यही काम करना है। आप किसी भी फोटो को सी बी एडिटिंग कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर 1 क्लिक एंड फोटो कितना सी बी एडिटिंग हो चुका है। तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड इंस्टाग्राम ID अमित एडिटिंग को फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।